बहुत बड़ा दिन था वुमेन्स क्रिकेट के लिए, वुमेन्स क्रिकेट की हिस्ट्री के लिए। क्यों? क्योंकि पहली बार ऑक्शन के अंदर नाम आए भारतीय खिलाड़ियों के अंदर, और वो ऑक्शन जो हुआ भारत की सरजमी पे, फाइनली जिसका इंतजार था बहुत समय से, मैं खुद जानती हूं मोर देन अ डेकेड से ज्यादा इंतजार था कि कब होगा वुमेन्स प्रीमियर लीग, कब होगी एक इंडियन लीग जिसके अंदर इंडियन खिलाड़ी खेलेंगे, वुमेन्स की दैट इज। और वो फाइनली दिन आ गया, आने ही वाला है, लेकिन उसके पहले का जो दिन था वो बहुत कमाल था। कौन हुआ खुश, कौन हुआ कम खुश, कौन हुआ माला माल, कहाँ चली टीम और कौन सा खिलाड़ी जाएगा कहाँ, ये सब फाइनलाइज हो गया वुमेन्स प्रीमियर लीग के ऑक्शन के साथ। तो चलिए शुरू करते हैं और ये बतलाएंगे कि कौन से खिलाड़ी ज्यादा खुश होंगे, कौन से कम खुश होंगे, और कौन से खिलाड़ी हैं जो मैं और मेरे साथी कमेंटेटर देखना चाहते हैं वुमेन्स प्रीमियर लीग के अंदर प्रदर्शन करते हुए। स्वागत है आपका डिफरेंट स्ट्रोक्स में। और भाई मैं बहुत खुश हूं, मैं इसलिए बहुत खुश हूं क्योंकि ना कि सिर्फ अंडर 19 खिलाड़ी बल्कि सीनियर खिलाड़ी, इंडियन प्लेयर, फॉरेन प्लेयर भारत की सरजमी पे आके क्रिकेट खेलेंगे, T20 फ्रेंचाइज क्रिकेट। क्या बात है, मार्च के अंदर तो ज़रूर ये फ्रेंचाइज क्रिकेट शुरू होगी, लेकिन मार्च से पहले जो एक आगाज़ था वो था ऑक्शन के जरिए में। और ऑक्शन के अंदर थोड़ा सा ज़रा नज़र डाल लेते हैं कि कौन से खिलाड़ी कम में खर्चे गए, ज़्यादा में खर्चे गए, और कौन ज़्यादा खुश होंगे। तो पहले नज़र डालते हैं कि सबसे महंगे 5-22 कौन रहे टीम्स के अंदर। ध्यान से नज़र डालिएगा क्योंकि इसके अंदर कुछ इंडियन खिलाड़ी मिस हो गए हैं, वो मैं बाद में बताऊंगी। पहले नज़र डालते हैं कि स्मृति मंदना कितनी खुश होंगी, आपको पता ही होना चाहिए, नहीं है तो 3.4 करोड़ की उनकी ऑक्शन प्राइस लगी है। जमीमा रॉड्रिग्स, दीप्ति शर्मा, एशले गार्डनर और नैटली सिवर भी एक अच्छे खासे दाम पर गए हैं, अच्छे खासे दाम पर ये गए हैं। और कुछ युवा खिलाड़ी भी, ऋचा घोष भी अच्छे दाम पर गई हैं, जमीमा रॉड्रिग्स का तो मैं नाम ले चुकी, लेकिन हरमनप्रीत कौर का क्या? वो सोच रही होंगी कि पहले नाम आया तो ये अच्छा होना चाहिए या खराब होना चाहिए। देखिए ये तो डबल एज स्वॉर्ड है, जो लोग ज़्यादा ऑक्शन में बैठते हैं वो ज़्यादा अच्छा बेहतर बता सकते हैं कि कई दफ़ा पहला नाम आना ज़रूरी नहीं अच्छा हो, और बाद में नाम आना ज़रूरी नहीं कि खराब हो, लेकिन ये रहे आंकड़े। वैसे मैंने अपने साथी कमेंटेटर्स के साथ चर्चा करी थी और उनसे ये भी ज़रूर पूछा था कि ऐसे कौन से खिलाड़ी रहेंगे जिन पे उनकी नज़रें रहेंगी। तो नैटली जर्मानोस जो मेरे साथ कमेंट्री करती हैं साउथ अफ्रीका से, उनसे पूछा। मरीना इकबाल जो अभी हाल ही के अंदर अंडर 19 विश्व कप करके आई है, तो उनकी नज़र तो जाहिर तौर पर अंडर 19 खिलाड़ियों पर ज़्यादा रही, लेकिन केटी मार्टिन भी हैं, अभी कुछ समय पहले न्यूजीलैंड के साथ क्रिकेट खेल रही थी, रिटायर हुई हैं, तो उनकी भी नज़र रही हैं। तो चलिए काम करते पहले इनसे सुन लेते हैं कि ये सारे खिलाड़ी कौन से हैं जिन पर इनकी नज़र रहेंगी वुमेन्स प्रीमियर लीग के अंदर। Some players who may make an impression in the WPL. I think there's a lot of international players to choose from that are very strong in the T20 format that could really make a big impact. But there's a couple of standouts possibly that in the conditions, the pressure of playing in front of big crowds in India and passionate fans, you need players who are real sort of used to that maybe in many ways. So I think experience will count for a lot. Elisa Healy for me. I think he's somebody to look out for. She plays well under pressure. She loves the big game. She loves the big stage. She's a pure entertainer, the way she plays. I'd be interested to see, sort of what happens for her and where she goes to and how that all sort of plays out. But otherwise, any Indian player for me, that's what I would say. Any Indian player could make a huge impact on this. And there's going to be some of the players who are already contracted internationally, obviously, that will stand out. Shefali Verma, for example, I think she's going to absolutely love this. Harmanpreet Kaur, the list is actually probably endless from an Indian point of view, but I think any Indian domestic player, that's somebody who hasn't maybe played internationally. I think we're going to unearth some incredible talent in India. And that is exciting for Indian cricket, and it's exciting for the women's game as well. Who's going to make an impression? I think there's going to be some associate players that are going to come out the woodworks that will get opportunity to play. There's some fantastic people around the world, so I think there's going to be a few of those. Who's going to make a biggest impression?
That's a good question. I think Ash Gardner will get picked up. I think she should be someone that should be in the top bracket. I think Mealy Kerr from New Zealand, I think she is someone that adds not just with the bat, but also a leg spin with the ball. She's a three-faceted player, and I think that she'll make a big impression in India. And I know she's played in some of the leagues over there and all around the world as well. So I think she is someone that is to be watched. I think another player might be Alana King. Alana King, the leg spinner from Australia. She is just absolutely rocketing into international cricket. And I think she is someone that will have a massive effect on this tournament. And being an Indian at heart anyway, I know that she has her teams. I know she would have loved to have played for Chennai, but obviously that's not the case. So I think Alana King will be another player to watch. Well, as far as the players are concerned in WPL, for me, I would love to see a lot of under-19 players picked up by the franchises, because I think that's the right way to do it. Investing in these players who are the potential future, not just for the countries but also for the leagues as well. And I'll talk about them in this regard. So starting on with India, I think I would love to see Kitar Sadhu. She's a brilliant pacer and she's done wonders. I would love to see her get picked up by the franchises. Secondly, Shweta Sarawat, she is a great potential when it comes to T20 in particular, and I think that she has a huge and bright future. Thirdly, Kiran Nagbar, I've been watching her since the Challengers Trophy. She is a great hitter, and I think with these sort of opportunities, when WPL is being launched, she'll get more opportunities to obviously work on her temperament, on her skill level and the game awareness, and she can be a really good prospect for India. Globally, I think other than that, from England, I would love to see Hannah Baker, and I think she's a really good leg spinner. And it'd be interesting to see how she bowls on Indian soil. देखा, केटी मार्टिन ने तो साफ बता दिया है कि उनकी नजरें किस पे रहेंगी, और क्यों ना हो कि एशले गार्डनर इतनी बढ़िया प्राइस पर भी गई हैं, ऑस्ट्रेलिया के लिए इतना अच्छा खेलती आई हैं, तो यकीनन जब वेमेंस प्रीमियर लीग के अंदर खेलने आएंगी तो नज़रें रहेंगी, मेरी भी नज़रें उन पर रहेंगी। मुझे तो लग ही रहा था कि तालिया मेगरा और एशले गार्डनर की एक अच्छी प्राइस मिलनी चाहिए, और वो मिलेगी भी। ऑफकोर्स नैटली जर्मानोस हैं, वो जानती है कि एलिसा हिली ने कितना बड़ा योगदान दिया, तो मैं भी मानती हूँ, पर मैं मानती हूँ कि यूपी ने जो प्राइस पे लिया है ना अलीसा हिली को, वो बहुत ही बढ़िया प्राइस है। एक हमारे साथ साथी कमेंटेटर है लीसा सलेकर, जो इस टीम के साथ जुड़ी है, और वो खुद कहती है कि 70 लाख में जो अलीसा हिली का बाय है ना, वो आउटस्टैंडिंग है, बहुत ही बढ़िया, इट्स अ स्टील। और सिर्फ वही नहीं, ग्रेस हैरिस भी इनके पास हैं, तालिया मेगरा भी इन्हीं के पास हैं, यूपी की टीम के पास। तो टीमों के बारे में जो है वो जायजा करेंगे आगे आने वाले समय में, क्योंकि अभी तो विश्व कप चल रहा है ना, अभी उसकी बात नहीं करेंगे, अभी सिर्फ खिलाड़ियों की बात करेंगे। और मरीना इकबाल, जैसे मैंने आपको कहा था ना, अंडर 19 विश्व कप करके आया, तो पहले तो ये अंडर 19 की तरफ ही चलती है, और मैं खुश हूं कि श्वेता सहरावत को भी यूपी टीम मिली है, बेस प्राइस पर ही सही, पर कोई बात नहीं, बहुत सारे अच्छी चीज हुई है। और युवा खिलाड़ी, इनफैक्ट सिर्फ श्वेता सरावत नहीं, वहां पार्श्वी चोपड़ा भी गई है, सो आई एम हैप्पी फॉर द यंगस्टर्स अंडर 19 टीम प्लेयर्स एज वेल। जहां तक मुझे लगता है, मैं तो हमेशा मानती हूं कि जब इंडियन खिलाड़ियों के साथ फॉरेन प्लेयर्स जुड़ेंगे और एक अच्छा मिक्स रहेगा, हालांकि यह जरूर है कि कोई टीम ऑन पेपर स्ट्रॉन्गर दिख रही है, कोई टीम ऑन पेपर हल्की दिख रही है, पर वो सारी चीज़ें आगे चलते चलते और ज़्यादा बेहतर स्ट्रीमलाइन हो जाएंगी। देखिए, मुझे हमेशा लगता है कि ये लीग और ये मैचेस जो रहते हैं ना, क्योंकि जब खिलाड़ी, क्योंकि वुमेन क्रिकेटर्स इतने मुकाबले नहीं खेलते, तो कहीं ना कहीं जितने भी मुकाबले हैं ना, जितना खेलें वो बहुत बढ़िया है। मैं और मेरे साथी कॉमेंटेटर बता चुके हैं कि हमारे को कौन से खिलाड़ी अच्छे लगे, कौन से खिलाड़ी हुए मालामाल, ये हम आपको बता चुके हैं, और कौन से खिलाड़ी लगे आपको कि पीछे रह गए, वो आप हमें बता दीजिए, क्योंकि आप और मैं यहीं मिलेंगे ना, डिफरेंट स्ट्रोक्स से मिलेंगे, लेकिन आप मेरे वर्ल्ड कप प्रीव्यूज रिव्यूज खास तौर पर इंडिया मैचेस के देखना मत भूलिएगा, वो हम अच्छा खासा लंबा प्रोग्राम करते हैं डिफरेंट स्ट्रोक्स पे, और जो बाकी मैचेस है ना, उसके मैं यूट्यूब शॉर्ट्स डालती हूँ, तो वो देखना मत भूलिएगा, क्योंकि मैच तो देखते ही नहीं होंगे ना, कहाँ देखेंगे, मैं हूं ना देखने के लिए और बताने के लिए। टू सब्सक्राइब एंड सी यू अगेन राइट हियर ऑन डिफरेंट स्ट्रोक्स।